पैनिक बाइंग ये कतई ठीक नहीं है, उसको न करें। देश में कोरोना के मामले 200 के करीब। हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयं संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे। 20 राज्यों तक कोरोना ने पसारे पांव। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। छत्तीसगढ़ पुडुचेरी में पहला मामला। हर बीते दिन के साथ कोरोना से जंग मुश्किल होती जा रही है। राहत सिर्फ इतनी है कि बाकी देशों के मुकाबले कोरोना के कदम यहां ठहरे हुए हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। पिछले 2 महीने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वायरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन 2 महीनों में भारत के 130 करोड़ नागरिकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है। देश में कोरोना के मामले 190 के पार पहुंच चुके हैं। इसमें से 20 मरीज ठीक हो चुके हैं, 4 की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से चौथी मौत पंजाब में हुई है। नवांशहर जिले में 70 साल के बुजुर्ग की सांसें कोरोना ने छीन ली। ये बुजुर्ग इटली के रास्ते जर्मनी से 15 दिन पहले ही लौटे थे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मरीज की मौत का कारण दिल का दौरा है, फिर भी एहतियातन पूरे गांव की स्क्रीनिंग की जा रही है। वो लिस्ट मुताबक असि जिहड़े स्क्रीनिंग जिहड़ी हैगी है उन्हां दी जिन्हां नाल टच रहे वो 17-18 बंदे दा असीं कर चुके हैं। वो सारा काम चल रहा है, तां असीं इस प्लान नूं प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड हैगा हुण उहनूं करांगे। गौर करने वाली बात ये है कि कोरोना से अब तक जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो सब बुजुर्ग हैं। कोरोना से पहली मौत 12 मार्च को हुई। कलबुर्गी में 76 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। अगले दिन दिल्ली में 68 साल की महिला की मौत हो गई। मुंबई में 17 मार्च को 64 साल के शख्स की जान गई। पंजाब के नवांशहर में 70 साल के व्यक्ति की मौत हुई। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। मैं फिर से आग्रह करता हूं, 60-65 से ऊपर की आयु वाले हमारे सभी परिवार के जन घर से बाहर न निकलें। कोरोना से डर और खौफ के बीच राज्यों ने नई पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली में 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लग गई है। उत्तराखंड में 25 मार्च तक सचिवालय पर ताला लटका दिया गया है। सरकार ने पेशे से डॉक्टर और चिकित्सा सेवा से जुड़े सांसदों की बैठक आज बुलाई है। बैठक संसद भवन की लाइब्रेरी में होगी। आज से श्रीनगर में भी लोगों की आवाजाही पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। केरल में कोरोना से निपटने के लिए 20,000 करोड़ के पैकेज को सरकार ने मंजूरी दी है। आज से सोमनाथ और अंबाजी मंदिर भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। 100 साल में पहली बार कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल बंद किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना हिंदुस्तान में फिलहाल दूसरे स्टेज में है और इसे तीसरे स्टेज में जाने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है।